नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं बात करूंगा राजस्थान BSTC के बारे में। सेकंड लिस्ट आपकी कब आएगी, इतना समय क्यों लग रहा है, कब तक आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो डाल दी जाएगी ऑफिशियली साइट पर। सेकंड लिस्ट के लिए क्या आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट कब आएगा, जो मेन टॉपिक है वो है आपकी कट ऑफ। इस सेकेंड लिस्ट की जो कट ऑफ है वो क्या कम जाएगी या फिर ज़्यादा अंतर फर्स्ट लिस्ट से देखने को नहीं मिलेगा, सारी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, सेकंड लिस्ट में जो देरी होने की वजह है वो है आपकी 30 कॉलेज, यानी कि आपकी 3000 सीट। जी हाँ दोस्तों, 30 कॉलेज को यहाँ पर दोबारा से जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो उसकी वजह से यहाँ पर देरी हो रही है। फाइल हालांकि जो है राजस्थान BKN जो प्रारंभिक शिक्षा जो BSTC की परीक्षा हर साल आयोजित कराया जाए उसके पास पहुँच चुकी है, उसको अप्रूव मिलने के बाद आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो जारी की जाएगी। सेकंड लिस्ट के लिए दोस्तों आपको 2 से 3 दिन का समय दिया जाएगा, आप कॉलेज एडिट कर सकते हैं, उसमें कॉलेज बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कॉलेज बढ़ने की चांसेस हैं दोस्तों। अगर 30 कॉलेज बढ़ती हैं तो आपकी 3000 कॉलेज सीधे सीधे बढ़ेंगी। तो दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, अगर कॉलेज बढ़ेंगी तो सीट बढ़ेंगी, या सीट बढ़ेंगी तो कट ऑफ कम जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कट ऑफ भी कम जाएगी। कट ऑफ को लेकर मैंने अलग से वीडियो डाली है, अगर कॉलेज बढ़ती हैं तो क्या कट ऑफ रहेगी, नहीं बढ़ती हैं तो क्या कट ऑफ रहेगी, उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर जैसे ही वीडियो ख़त्म हो जाएगी दोस्तों आपको वीडियो एंड में मिल जाएगी। तो कट ऑफ की वीडियो मैंने डाली है, और दोस्तों आप मुझे कमेंट करें अपने नंबर, मैं सभी के रिप्लाई करूँगा कि आपका जिसमें सेकेंड लिस्ट में नंबर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। और दोस्तों बात करूं आपकी ऑफिशियली साइट की, तो ऑफिशियल साइट पर आप तो देख सकते हैं लास्ट अपडेट है वो 10 जनवरी का यहाँ पर दे रखा है, 10 जनवरी 2021 का। इसके बाद कोई भी यहाँ पर जो है शेड्यूल है वो आगे नहीं बताया है, ना ही अपवर्ड मूवमेंट को लेकर, ना ही आपकी सेकेंड लिस्ट के लिए अप्लाई करने को लेकर। सेकेंड लिस्ट के लिए आपको अप्लाई करना होगा, आज के लिए आपकी जो मिनिमम 40 से 50 से 100 रुपये लगेंगे दोस्तों, आप उसमें कॉलेज एडिट कर देना, और सेकेंड लास्ट जो सेकेंड लिस्ट है दोस्तों उसके 2 से 3 दिन बाद जारी कर दी जाएगी। और दोस्तों, क्योंकि ये प्रक्रिया है वो थोड़ी लंबी हो गई है, काफ़ी समय हो गया है, 10 तारीख को, आज आपकी 21 तारीख हो गई है, अभी सेकेंड राउंड को लेकर 10 दिन से कोई भी इंतजार कर रहे हैं स्टूडेंट, ना ही अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आया है। तो हो सकता है अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट है वो सेकेंड लिस्ट से पहले ही आ जाए, या फिर सेकेंड लिस्ट के साथ भी आ सकता है। तो जब तक कॉलेज आपकी जो फाइल अप्रूव हो जाएगी दोस्तों, उसके बाद जो कॉलेज एडिट हो जाएंगे उसमें कॉलेज जुड़ जाएंगी, तभी दोस्तों आपकी सेकेंड लिस्ट की प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी। दोस्तों, कट ऑफ की वीडियो मैंने चैनल पर डाल दी, आप देख सकते हैं, फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपकी सभी की रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना, अपने व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राजस्थान BSTC की आपको पल पल की अपडेट वो मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसी आपके लिए वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।